हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो होने वाला है सैमसंग के लिए। सैमसंग अपना एक ऑनलाइन सेगमेंट के लिए जो है 5G फोन लॉन्च करने की जो है पूरी पूरी तैयारी कर चुका है सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के अंदर। हालांकि जो है एक फोन अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M42, लेकिन उसका एक अपग्रेड वर्जन जो है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के नाम से जो है लॉन्च करने वाला है। हालांकि हमने जो है अभी कुछ टाइम पहले ही ऑलमोस्ट 6-7 महीने या फिर जो है 1 साल पहले जो है सैमसंग गैलेक्सी M51 और फ्लिपकार्ट के लिए सैमसंग गैलेक्सी F62 देखा था, उसी का ही एक अपग्रेड वर्जन होगा सैमसंग गैलेक्सी M52 5G वर्जन, जो कि BIS सर्टिफिकेट पे जो है लिस्ट हो गया है और ये इंडियन मार्केट के अंदर जो है नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक के अंदर जो है लॉन्च हो सकता है। कई डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सभी फोन के डिस्क्रिप्शन में जो है अपडेटेड प्राइस लिंक दिए हुए हैं, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं M52 के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बेसिकली क्या है, चाइना में 5G वर्जन लॉन्च हुआ था, हम सोच रहे हैं कि उसी का ही एक रीब्रांड वर्जन होगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीक्स बोल रहे हैं कि ये जो है उसका भी एक अपग्रेड वर्जन होगा, क्योंकि जो चाइना में फोन लॉन्च हुआ था ना वो था स्नैपड्रैगन 750G के साथ में, लेकिन इंडिया के अंदर जो फोन आने वाला है ना वो होगा स्नैपड्रैगन 778G के साथ में। अब यहां पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीक्स बोलते हैं और ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाता है। एक्चुअली में उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो है ऑफलाइन में जो भी फोन आते हैं ना वो ऑनलाइन मार्केट के लिए कुछ ना कुछ यहां पे चेंजेस करके जो है ऑनलाइन मार्केट के लिए जो है रिलॉन्च करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A52s, जहां पर चिपसेट यूज होगा स्नैपड्रैगन 778, और वही जो फोन होगा ना आपको ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के नाम से जो है देखने को मिलेगा। हालांकि जो है कुछ करेक्शन किए जाएंगे, देखते हैं कि क्या क्या करेक्शन आपको जो है देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको जो है डिजाइन है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि होगा यहां पे 6.7 इंच का डिस्प्ले। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग का ही डिस्प्ले है सुपर एमोलेड या फिर जो है एमोलेड स्क्रीन, लेकिन आपको M52 5G के अंदर जो है TFT पैनल जो है देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यहां पे जो है डाउनग्रेड देखने को मिलता है कंपैरिजन M51 से डिस्प्ले कंपेयर करते हैं तो, लेकिन अगर यहां पे हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो वो आपको पैनल मिलेगा 120 हर्ट्ज के साथ पे। मतलब आपको जो है एक स्मूथ स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन आपको यहां पे जो है डिस्प्ले क्वालिटी जो है लोअर देखने को मिलेगी। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो वही होगा पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिजाइन, मतलब जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे क्वाड कैमरा सेटअप जो है यूज किया गया है, कुछ इस टाइप का जो है मॉडल देखने को मिलेगा, एंड यहां पे ग्लॉसी फिनिशिंग आपको जो है देखने को मिलेगी। ये है इंटरेस्टिंग डिजाइन है, लेकिन यहां पे डिस्प्ले में जो है थोड़ा बहुत आपको लोअर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर जो चिपसेट यूज किया जाएगा वो होगा स्नैपड्रैगन 778G। बेसिकली गाइस, यहां पे अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो नो डाउट आपको यहां पे जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G का, जो कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ में होगा। यहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो वो भी आपको जो है यहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस जो देखने को मिलेगा। किसका रीजन क्या है, एक तो यहां पे जो है वन यूआई आपको देखने को मिलेगा। अब M सीरीज का फोन है, हो सकता है कि आपको यहां पे जो है M जो वन यूआई होगा वो 3.1 कोर के साथ में आए, या फिर जो है यहां पे अगर फुल वर्जन आता है तो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर कोर वर्जन आएगा तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करते हैं यहां पे वन यूआई 3.1 से फुल वाले वर्जन से, तो आपको यहां पे जो है डाउनग्रेड देखने को मिलेगा इंटरफेस के अंदर कोर वाले वर्जन के अंदर। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि होगा मेन कैमरा 64MP के साथ में, सेकेंडरी कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, एंड थर्ड जो है 5MP का मैक्रो, एंड 5MP का जो है डेप्थ को कवर करने के लिए होगा। कुछ इस टाइप का जो है कैमरा सेटअप और कैमरा मॉड्यूल आपको जो है देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं तो साइड पंच होल के साथ आपको लगाया जाएगा यहां पे 32MP का कैमरा। हालांकि अगर हम कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 से तो बहुत सारी चीजें सिमिलर है। एक चीज यहां पे अपग्रेड है, जो कि 5G टेक्नोलॉजी साथ में है स्नैपड्रैगन 778G, लेकिन एक चीज लोअर भी है जो कि है यहां पे डिस्प्ले क्वालिटी। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो सैमसंग गैलेक्सी F52 है उसके अंदर यूज की गई थी 4500mAh की बैटरी, लेकिन ऑफिशियली जो है यहां पे स्ट्रांग लीक्स बोल रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर जो है 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड अगर इनबॉक्स चार्जिंग सपोर्ट की बात करते हैं तो वही होगा 25W का चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा 5000mAh बैटरी के साथ में। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो TFT स्क्रीन है, तो आपको यहां पे डेफिनेटली जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फोन के बैक साइड में अगर हम लुक के बारे में बात करते हैं तो कहीं भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसका मतलब है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम M51 से कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी लोअर है एंड बैटरी परफॉर्मेंस, मतलब बैटरी की जो कैपेसिटी है वो जो है लोअर है, अदरवाइज यहां पर जो है कुछ चीजें
अपग्रेड है एंड कुछ चीजें जो है सेम है। तो गाइज ये था आज के वीडियो में। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं तो बताया जा रहा है एम सीरीज का फोन है तो लगभग जो है ये फोन 25,000 रुपए का होने वाला है, जहां पर बेस वेरियंट होगा 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज एंड हायर वेरियंट होगा 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। तो गाइज ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी M52 के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।